नमस्कार, गुड इवनिंग। मेरा नाम है जतिन सप्रू और मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इंडिया के लाखों स्टूडेंट्स, उनके टीचर्स और सभी पेरेंट्स का आज इंडिया की सबसे बड़ी क्विज शो के लॉन्च पे। भाई, जितना उत्साह, जितना जोश, जितना जुनून आप सब में है, उतना ही है हमारे अतिथियों में, हमारे डिग्निटरीज में। वी हैव एन एस्टीम्ड पैनल व्हिच इज ग्रेसिंग अस दिस इवनिंग। लेट मी बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग एंड वेलकमिंग ऑल आवर डिग्निटरीज। The Honorable Education Minister of India, Shri Dharmendra Pradhan ji, the Union Sports Minister of India, Shri Anurag Singh Thakur. We also have the Honorable Minister of State for Youth Affairs and Sports, Shri Nisit Pramanik. Hamari khushkismati ye bhi hai ki aaj sham hamare saath jud rahe hain do champion athletes jo desh ki hamare tirange ki shaan hai. Ye dono har ghar ke laadle to hain hi aur introduction ki aavashyakta nahi, lekin phir bhi ये हमारा सौभाग्य है कि आज शाम इन सभी स्टूडेंट्स के साथ ये जुड़ पाए हैं। द मैन हु गेव अस अ चांस टू हियर आवर नेशनल एंथम एट द टोक्यो ओलंपिक्स, इंडियाज़ फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल विनर श्री नीरज चोपड़ा, एंड द फर्स्ट एंड द ओनली फीमेल डबल ओलंपिक मेडलिस्ट ऑफ इंडिया, द अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट, द वन एंड ओनली पीवी सिंधु जी। Last but not the least, we also have with us the dynamic CEO of Star Sports, Mr. Sanjog Gupta. Also present with us this evening, the Secretary Youth Affairs, Srimati Usha Sharma, Secretary Sports, Sri Ravi Mittal, Director General, Sports Authority of India, Sri Sandeep Pradhan, Sri L.S. Singh, Joint Secretary Sports, Sri Atul Singh, Joint Secretary Development, Ministry of Youth Affairs and Sports, Mr. Nitesh Kumar Mishra, Joint Secretary, Ministry of Youth Affairs, Miss Ekta Vishnoi, Mission Director, Fit India, Miss Ritu Sen, Director, School Education and Literacy, Ministry of Education, and other dignitaries and officials from the Ministry of Youth Affairs and Sports. हमारे लाखों students को represent कर रहे हैं दो बहुत ही special विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं केंद्रीय विद्यालय AFS Trivandrum, वहां से विस्मय मोहन from class 10 and his parents, Mr. Mohanlal and Mrs. Nisha Gobind, और साथ में है तनिष्का चंदेल फ्रॉम क्लास 8 एंड हर पेरेंट्स, विंग कमांडर अनिल कुमार चंदेल एंड मिसेस देवेंद्र चंदेल। अलोंग विद देम वी आल्सो हैव द ऑगस्ट कंपनी ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल मिस्टर कुमार मोहन एंड द फिजिकल एजुकेशन टीचर मिसेस इंदु शर्मा। सो वंस अगेन अ बिग वेलकम टू एवरीबॉडी जॉइनिंग अस हियर दिस इवनिंग। फिट इंडिया मिशन सेलिब्रेट कर रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। अलग अलग तरीकों से हर भारतीय को जुड़ने का मौका मिल रहा है इस पहल के साथ, चाहे अब वो फिट इंडिया फ्रीडम रन हो या कुछ दिन पहले लॉन्च की गई फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन कोई भी मूवमेंट फिट और हिट तब होती है जब उसके साथ जुड़ते हैं देश को भविष्य में ले जाने वाले उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी के उसके स्टूडेंट्स। और इसी उम्मीद के साथ आज लॉन्च होगी द वेरी फर्स्ट फिट इंडिया क्विज 2021। अब किसी भी आप चैंपियन से अगर आप पूछे, चाहे नीरज हो चाहे पीवी सिंधु हो, कि कैसे और चैंपियंस ढूंढे जाएं, तो अक्सर एक जवाब मिलता है, कैच देम यंग। तो इस फिट इंडिया क्विज के साथ द एम इज टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट फिटनेस एंड स्पोर्ट्स अमंग द स्कूल चिल्ड्रन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्विज इज टू प्रोवाइड अ नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर स्टूडेंट्स टू शोकेस देयर नॉलेज अबाउट फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, और साथ साथ जागरूकता लाना हमारे देश के बहुमूल्य खेल इतिहास, हमारे सदियों पुराने स्वदेशी खेलों की। टू क्रिएट एन अवेयरनेस अबाउट आवर नेशनल एंड रीजनल स्पोर्टिंग हीरोज ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट हु ब्रॉट लॉरल्स टू आवर नेशन एट इंटरनेशनल इवेंट्स, एंड ऑल्सो हाउ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफस्टाइल एक्टिविटीज होल्ड द की टू अ फिट लाइफ फॉर ऑल। अब इंडिया की सबसे बड़ी क्विज के ऑनलाइन प्रिलिमिनरी राउंड्स कंडक्ट करेगी द प्रेस्टिजियस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी व्हिच इज इन चार्ज ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस लाइक द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। द प्रीलिम्स विल बी इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, जहां देश का हर पार्टिसिपेटिंग स्कूल नॉमिनेट कर सकता है दो स्टूडेंट्स को एक मोबाइल बेस्ड टेस्ट। दिस विल बी फॉलोड बाय स्टेट वेब राउंड्स इन ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, और सभी स्टेट्स के चैंपियंस फिर पहुंचेंगे नेशनल लेवल पे, जहां पे इम्तिहान होगा ना सिर्फ नॉलेज का, ना सिर्फ उनके फिटनेस के बारे इंफॉर्मेशन का, लेकिन कई मस्ती भरी एक्टिविटीज के साथ उनकी अपनी फिटनेस का भी इम्तिहान होगा। और इन सब पढ़ावों को पार करके हमें मिलेगा हमारी पहली फिट इंडिया क्विज का चैंपियन। द नेशनल राउंड्स विल बी ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स फॉर स्टार इंडिया,
Hold your breath. The inaugural Fit India Quiz gives the participating students and schools a chance to win cash prizes of more than 3.25 crores. That's big. And this quiz is going to be a path-breaking start and a step to make all of us aware and join the Fit India movement. So without taking any more of your time, I will now request the Honorable Minister of State, Sri Nisit Pramanik, to share his thoughts on this wonderful initiative. Namaskar. आज की इस महती कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी उपस्थित हैं, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी उपस्थित, रवि मित्तल जी, सुश्री उषा जी, डीजीसीआई संदीप जी और फिट इंडिया मिशन के डायरेक्टर एकता जी, भारत की शान और हमारे ओलंपियंस पीवी सिंधु जी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी और इस कार्यक्रम के साथ जुड़े सभी आधिकारिकगण, शिक्षक और शिक्षार्थी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। फिट इंडिया मिशन की शुरू होने के बाद से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से पूरे देश में हर वर्ग की नागरिक, बच्चों से लेकर बुजुर्ग, हमारे शिक्षक से लेके शिक्षार्थी कैसे इसके साथ जोड़े। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है उसमें शामिल हुआ और फिट इंडिया मिशन को बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाने के लिए मदद किया। हम लोगों ने देखा कि इस मिशन के शुरू होने की बात ही पूरी देश में इसकी जागरूकता को लोगों ने समझा और इस मिशन के साथ शामिल होकर इस मिशन को सफल करने के लिए आगे आया। कुछ दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस कल्पना को साकार करने के लिए हमारे युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी की सोच से एक वर्ल्ड क्लास ऐप की लॉन्च किया गई, फिट इंडिया ऐप की लॉन्च की गई और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक सुस्त शरीर में एक सुस्त मन का निवास रहता है और शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का भी बहुत जरूरत है। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये फिट इंडिया क्विज कंपटीशन के आयोजन की जाए और पहली बार इतना बड़ा आकार से सारे विद्यालय को एक साथ जुड़कर, सारे शिक्षार्थियों को एक साथ जुड़कर इस फिट इंडिया मिशन में फिट इंडिया क्विज कंपटीशन की शुरुआत की जा रही है। मैं सभी विद्यालय से, सभी शिक्षकों से और सभी शिक्षार्थी से मैं ये विनती करना चाहूँगा कि आइए फिट इंडिया की इस मिशन के साथ जुड़िए, इस क्विज कंपटीशन में आप लोग हिस्सा लें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि न्यू इंडिया को कैसे फिट इंडिया बनाया जाए, उस सपना को साकार करने के लिए आप लोग उसमें शामिल होइए और फिट इंडिया मिशन को सफल कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस महती कार्यक्रम के साथ जुड़ा। विशेष रूप से शिक्षार्थियों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और
मैं इस शब्द के साथ अपनी शब्द को विराम देना चाहूंगा। आइए सभी मिलके फिट इंडिया की मिशन के साथ जुड़ते हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कल्पना है उसको वास्तव में रूपायित करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स। अब उनकी तरफ रुख करता हूं जो कभी अपनी फिटनेस रूटीन को स्किप नहीं करते लेकिन अपनी फिटनेस के लिए बहुत स्किप करते हैं। आर यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स श्री अनुराग ठाकुर जी, जो अभी फिट इंडिया ऐप के लॉन्च इवेंट पे सबको इंस्पायर कर गए। सर इतनी वेरिएशन स्किपिंग की होती है ये पता भी नहीं था, जितनी आपने आसानी से कर दी। और मुझे लगता है कि अगर आपका आगे चलते हुए कोई और कमिटमेंट नहीं होता, यू कुड हैव गॉन ऑन एंड ऑन। दैट वाज अमेजिंग। इट्स नाउ वन ऑफ द मोस्ट वॉच्ड वीडियोस एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर थॉट्स, मेबी सम फिटनेस टिप्स एंड ऑल्सो लॉन्च द फिट इंडिया क्विज। थैंक यू जतिन जी। भारत के शिक्षा मंत्री एवं स्किल मंत्री आदरणीय बड़े भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, खेलों के राज्य मंत्री और गृह राज्य मंत्री भाई निषिद्ध प्रमाणिक जी, यहाँ पर उपस्थित खेल सचिव रवि मित्तल जी, युवा कार्यक्रम विभाग की सचिव श्रीमती उषा जी, उपस्थित सभी सम्माननीय अधिकारीगण और वर्चुअल मोड से जुड़े हुए भारत के दो ऐसे ओलंपियन जिन्होंने भारत का मान सम्मान देश और दुनिया में बढ़ाया है, नीरज चोपड़ा जी, और मैं तो ये भी कहूँगा ऐसी महिला एथलीट जिन्होंने एक नहीं दो दो ओलंपिक्स में भारत के लिए मेडल जीता है, पीवी सिंधु जी, ये शटलर हमारी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, संजोग जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं सबसे पहले तो आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने व्यस्तम समय में से समय निकालकर फिट इंडिया क्विज को लॉन्च करने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आदरणीय धर्मेंद्र जी का करता हूं। इससे पहले भी खेल मंत्रालय के माध्यम से, फिट इंडिया मिशन के माध्यम से जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाई गई है, चाहे पूर्व में प्लॉग रन किया गया हो या फिट इंडिया स्कूल वीक किया गया हो, फिट इंडिया फ्रीडम रन किया गया हो, लाखों की तादाद में देश के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया, खेलों के प्रति जागरूकता अभियान चलाया, और आज तो जब ओलंपिक्स में बेहतर प्रदर्शन हुआ है और दो बड़े एथलीट्स हमारे साथ ओलंपियन जुड़े हैं, वो अपने आप में एक लाखों भारतीयों के लिए, करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आप भी प्रेरित करेंगे लोगों को आगे आने के लिए, फिट रहने के लिए। तो जहां एक और जैसे निषिद्ध जी ने कहा 29 तारीख को ध्यानचंद जी के एक नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन जिस तरह से समर्पण किया गया फिट इंडिया मूवमेंट का, भी हमारा दो वर्ष पूरे हुए फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च करने के लिए खुशी इस बात की है, ना केवल ऐप को लॉन्च किया गया बल्कि देश भर में बड़ी तादाद में इस फिट इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड भी लोगों ने किया और उसका फायदा भी उठा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक सोच है कि जहां देश के युवाओं को खेलों में आगे बढ़ाना है, देश में वातावरण भी खेलों का ऐसा बनाना है कि ज्यादा से ज्यादा युवा उसमें भाग ले सके और कहीं ना कहीं जानकारी भी ज्यादा हो, पूर्व में किन खिलाड़ियों ने अच्छा किया, कौन से हमारी खेल हैं, किन खेलों में किस साल में किसने क्या क्या किया, या फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ तो उस पर क्या क्या प्रावधान है। ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेट है और ये अपने आप में पहली बार ऐसा हो रहा है कि खेलों पर और फिटनेस पर पहला शायद कोई क्विज प्रोग्राम हम लोग करने जा रहे हैं। इससे जानकारी भी बढ़ेगी, फिटनेस के प्रति लोगों का रुझान भी बढ़ेगा और फिटनेस में लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी, और इसको और आकर्षित करने के लिए और इसको
आकर्षक बनाने के लिए हम लोगों ने जहां एक और स्टार के साथ इस पे टाई अप किया है, वहीं पर हमने निवेदन किया था शिक्षा मंत्री जी को कि आप जब इसको लॉन्च करेंगे तो देश के लाखों स्कूलों से हमारे लाखों बच्चे इसमें पार्टिसिपेट जब करेंगे तो ना केवल शारीरिक तौर पर वो फिट होंगे, मानसिक तौर पर भी फिट होंगे। एक और क्विज खेलने वाला उसमें पार्टिसिपेट करेगा तो लाखों रुपए उसके स्कूल को मिलेंगे, विद्यार्थी को मिलेंगे, और साथ ही साथ उनकी क्षमता का भी और प्रतिभा का भी देश को जानने का अवसर मिल पाएगा। और मैं इसके लिए कहना चाहता हूं, आज जब माननीय मंत्री जी आप इसको लॉन्च करने जा, तो पहली सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस रहेगा। देश का कोई भी स्कूल किसी भी बोर्ड के, चाहे CBSE हो या स्टेट बोर्ड के हो, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। 30 दिन का समय है और NTA राउंड जो है वो 29 तारीख तक होगा, प्रिलिमिनरी राउंड जो है, और स्टेट राउंड जो है वो 1 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक इसका होगा। नेशनल राउंड जैन और फेब 2022 में होगा। तो आप कल्पना कीजिए कि अगर आप इसमें भाग लेते हैं और अगर आप स्टेट में क्वालिफाई करते हैं आफ्टर NTA राउंड, तो स्कूल को 15,000 रुपये मिलेगा और खिलाड़ी को 2,000 रुपये मिलेगा स्टूडेंट को। स्टेट और UT के अगर सेकंड रनर अप है तो 50,000 स्कूल को मिलेगा और 5,000 रुपया स्टूडेंट को मिलेगा, और अगर आप फर्स्ट रनर अप है तो 1,00,000 रुपया स्कूल को और 10,000 रुपया, और स्टेट के चैंपियन है तो स्टेट चैंपियन को 2,50,000 रुपया स्कूल को मिलेगा तो 25,000 रुपया खिलाड़ी यानी कि स्कूल के स्टूडेंट को मिलेगा। नेशनल लेवल पर अगर आप सेकंड रनर अप रहते हैं और उसमें 1,00,000 रुपया आपको मिलता है स्कूल को, तो 1,00,000 रुपया विद्यार्थी को मिलेगा, और अगर आप फर्स्ट रनर अप रहते हैं तो 15,00,000 रुपया स्कूल को मिलेगा और 1,50,000 रुपया स्टूडेंट को मिलेगा, और अगर आप नेशनल चैंपियन बनते हैं तो 25,00,000 रुपया नेशनल चैंपियन को मिलेगा स्कूल के लिए और 2,50,000 रुपया स्टूडेंट को मिलेगा। तो नेशनल चैंपियन होने पे स्कूल को 25,00,000, नेशनल फर्स्ट रनर अप होने पे स्कूल को 15,00,000, नेशनल सेकंड रनर होने पे स्कूल को 10,00,000, तो वहीं पर कैश प्राइज स्टूडेंट को नेशनल चैंपियन होने पे 2,50,000, फर्स्ट रनर अप होने पे 1,50,000 और सेकंड रनर अप होने पे 1,00,000 रुपया मिलेगा। कुल मिलाकर 3.25 करोड़ रुपए के कैश प्राइज, 3.25 करोड़ रुपए के कैश प्राइज स्टूडेंट्स को और स्कूल को मिलेंगे, और जो स्कूल को पैसा मिलेगा उसको खेल गतिविधियों पर ही खर्च करना पड़ेगा। ये खेलों को लेकर और फिटनेस को लेकर क्विज भी है, और इस क्विज के माध्यम से स्कूल और स्टूडेंट्स को पैसे भी मिलेंगे, और जो स्कूल को पैसा मिलेगा उसको वापस खेल गतिविधियों पर ही खर्च किया जाएगा। ये अपने आप में विद्यार्थियों को देश में एक पहचान दिलाएगा, नेशनल TV पर विद्यार्थियों को दिखने का अवसर मिलेगा, अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा, स्टूडेंट्स को और स्कूल को नई पहचान मिलेगी। मुझे लगता है जन जागरूक अभियान भी होगा, जनता की भागीदारी भी होगी, और इसके माध्यम से फिटनेस का जन आंदोलन भी हम भारत में बना पाएंगे। तो आइए, है दम तो बढ़ाओ कदम। मैं इसलिए कह रहा हूँ है दम तो बढ़ाओ कदम, क्योंकि है दम तो रजिस्ट्रेशन करना शुरू कीजिए। 30 दिन का समय है, भाग लीजिए, चैंपियन बनिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें भी, क्योंकि अगर देश में खेलों के प्रति रुचि और बढ़ानी है तो जानकारी को भी बढ़ाना होगा। मैं एक बार फिर माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी का और आप आए हुए सभी गणमान्य अतिथियों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, जो वर्चुअल रूप से जुड़े हैं और जो यहाँ पर फिजिकली भी आए हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे आपने कहा, शायद इस समय जो लाखों स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो मन ही मन कह रहे होंगे, दम भी है, कदम भी बढ़ाएंगे और धमाल भी मचाएंगे, और यही हम देखना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कहा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ये हमारे फ्लैग बेयरर्स हैं, ये भविष्य में लेके जाएंगे भारत को, और जागरूकता बढ़े फिटनेस के प्रति, हमारे खेलों के प्रति, खेल में जो रहे सितारे हैं उनके बारे में जाने, इससे बेहतर और क्या पहल हो सकती है। लेकिन जैसे आपने शुक्रिया अदा किया सभी स्टूडेंट्स
की ओर से मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो आज शाम जुड़े हैं हमारे साथ। सर, इस पल अगर आप बता पाए कि आप कितने एक्साइटेड हैं इस मुहिम को लेके और शुरुआत कर दें बस ये फिटनेस का जो अभियान चल रहा है, इसके इस नए पड़ाव की ओर, फिट इंडिया क्विज की ओर ले जाइए सर। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित देश की खेल तथा सूचना प्रसारण विभाग के मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, गृह राज्य मंत्री तथा खेल विभाग के राज्य मंत्री मेरे छोटे भाई आदरणीय निशित परमाणिक जी, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के सचिव आदरणीय उषा शर्मा जी, स्पोर्ट्स के आदरणीय सचिव रवि मित्तल जी, डीजी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया संदीप प्रधान जी, स्टार स्पोर्ट्स के संजय गुप्ता जी, हम सभी के लिए गौरव लाने वाले, लगातार दो बार ओलंपिक मेडल जीतने वाली आदरणीय पीवी सिंधु, और इस बार हम सभी के मन में एक नई उत्साह, नई खुशी, और मैं बचपन से स्पोर्ट्स लवर हूँ इसीलिए बड़े कॉन्शियसली कहता हूँ, स्पोर्ट्समैन नहीं कहता हूँ, हमारे अनुराग जी के सामने स्पोर्ट्समैन कहना, फिर अभी उनको वो कहेंगे परीक्षा दो, इसीलिए मैंने कहा सेफली स्पोर्ट्स लवर हूँ। और मैं पहली बार शायद इंडियन एथलीट्स में, शायद पीटी उषा जी के बाद, बीच में शायद अंजू बेबी ने भी कुछ थोड़ा अच्छा किया था, लेकिन नीरज चोपड़ा जी ने इस बार हम सभी की मान बढ़ाया, देश की मान बढ़ाए। ऐसे दो हमारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं। और इस कार्यक्रम में मेरे साथ दिल्ली में जुड़े अनेक प्रमुख साथीगण, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म में इसको देखने वाले, स्कूल की दुनिया के, स्पोर्ट्स के दुनिया के, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री के अनेक मित्रगण, मैं आप सभी को बधाई देता हूं, भारत सरकार की ओर से बधाई देता हूं। ये फिट इंडिया मूवमेंट की एक प्रकार से दूसरी सालगिरह है, और सालगिरह के अवसर पे 29 को ऐप लॉन्च हुआ, आज 1 को फिट इंडिया क्विज की रजिस्ट्रेशन लॉन्च की जा रही है। किस बैकग्राउंड से, दो ऐतिहासिक क्षण हम लोगों के सामने है, एक देश की आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव, और ओलंपिक के बाद पारा ओलंपिक जब चल रहा होगा उस दौरान, इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने विशेष निमंत्रण दिया था हमारी ओलंपियंस को, पहली बार देश की 15 अगस्त की अतिथि लाल किले की दीवार पे हमारी ओलंपियंस थे, भारत की इस जर्निंग में, 75 साल की जर्निंग में हमारी स्पोर्ट्समैन, हमारी खिलाड़ी हमारे लिए गौरव लाए, इसकी सम्मान इस बार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से किया। मैं आज आपके सामने जब हूँ, मेरा स्कूल से जुड़े हुए मित्रों से एक अनुरोध रहेगा, मैं धन्यवाद देता हूँ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री को, अनुराग जी को, निशित जी को, उन्होंने जो अपना एक विजनरी स्ट्रैटेजी बनाई है खेल को नीचे ले जाने के लिए, उसकी माध्यम उन्होंने स्कूल को चुना। देश में 15 लाख स्कूल हैं, राज्य सरकारों के द्वारा चलने वाले स्कूल, भारत सरकार के द्वारा चलने वाले स्कूल, निजी उद्यम से चलने वाले प्राइवेट स्कूल। और अभी मेरे को हमारे मित्तल जी स्पोर्ट्स के सेक्रेटरी कह रहे थे, इसी क्विज कंपटीशन में क्लास 8 से क्लास 12 की स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे, यानी लगभग मेरे एक अनुमान है 10 लाख स्कूल
स्कूल के प्रति 25 लाख रुपया के अभी जो अवार्ड अनाउंस किया, कुल मिला के 3,25,00,000 की अवार्ड, और हाईएस्ट एक स्कूल को 25 लाख अवार्ड, और इंडिविजुअल प्लेयर्स को भी अवार्ड मिलेगा। ये 10 लाख स्कूल उस अवार्ड विनिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करे, ये हम सभी की इच्छा है। और उसमें क्यों खेलना चाहिए, क्यों ये क्विज में आना चाहिए? मित्रों, जमाना चला गया कि हमारी पेरेंट्स, हमारी अभिभावक, हमारी टीचर हमारी कान पकड़ते हैं कि खेलते क्यों हो, पढ़ाई कब करोगे। इस बार तो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा, जो अच्छा पढ़ेगा उसको स्कूल में जैसे परीक्षा में नंबर मिलते हैं, अपने खेल के लिए, अपने खेल के लिए भी उनको नंबर मिलेगा। और शिक्षा विभाग और खेल विभाग, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन मिनिस्टर आर कमिंग टुगेदर टू क्रिएट ए न्यू आर्किटेक्ट। दिस ईयर विल बिगिन ए न्यू चैप्टर, विल राइट ए न्यू चैप्टर। ऑल द ओलंपियंस विल बी ग्रेजुएट बाय नेक्स्ट 4 ईयर बाय अर्निंग क्रेडिट्स। उन्होंने अपने खेल, अभी फिर पीवी सिंधु जाएगी कहीं खेलने के लिए। पीवी सिंधु आजकल शायद आंध्र गवर्नमेंट में ज्वाइन कर गए, हमारे पहले भारत पेट्रोलियम के अधिकारी थे। उनकी पढ़ाई अगर ग्रेजुएशन हुई होगी, उनकी एमबीए तो पोस्ट एमबीए भी कर सकती है, अभी एमबी थीसिस भी लिख सकती है। थीसिस लिखने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना जरूरी नहीं है, ग्रेजुएट होने के लिए सिर्फ किताब पढ़ना जरूरी नहीं है। नीरज चोपड़ा अभी कैंप में जाएंगे दोबारा और प्रैक्टिस करने के लिए। उस कैंप की पार्टिसिपेशन की क्रेडिट पॉइंट्स उनकी इंडिविजुअल डीजी अकाउंट में, डीजी लॉकर में उनकी क्रेडिट पॉइंट को रखा जाएगा। हमने एक नया इंस्ट्रूमेंट एजुकेशन सिस्टम से बनाई है, एबीसी, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। पढ़ाई के साथ साथ खेलना, खेल में भी नंबर लाना, क्रेडिट पॉइंट आन करना, ये व्यवस्था भारत सरकार बना लिया है। इसलिए आने वाले दिनों में खेलने वालों को भी पढ़ने की बराबर की एकेडमिक क्रेडिट मिले, इसकी व्यवस्था राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक प्रमुख हिस्सा है। मित्रों, खेल में भी देश की गौरव बढ़ेगा, खेल भी एक नया विधा होगा, खेल भी हम लोगों के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट ऑफ अर्निंग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अभी कोरोना की अंदर जब हम खेल के बारे में, विशेष करके फिटनेस के बारे में बात करते हैं, कोरोना में ये सबकी प्रेस्क्रिप्शन हुई है। सारे डॉक्टर, सारे पैरामेडिक्स, सारे पेशेंट के मन में एक बात आई है, मेरे को फिट रहना है। जिन्होंने अपना डेली एक्सरसाइज, डेली योगा, डेली प्राणायाम, डेली वॉकिंग ठीक रखा, इनको कोरोना ने कम कष्ट दिया। बहुत सा इसका उम्र नहीं रहा है। ये फिटनेस भले ही हम स्कूल से शुरू करें, इस फिटनेस की तो आयु अनंत है। कई लोगों ने अपने जीवन की अंतिम क्षण तक फिट रहा, इसलिए ज्यादा समय टिके। इसलिए भारत सरकार एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है, एक आर्किटेक्ट खड़ा कर रही है, जिसमें खेल, फिटनेस ना केवल एक एक्स्ट्रा करिकुलर सब्जेक्ट होने वाला है, ये एक प्रमुख सब्जेक्ट हमारी पढ़ाई में, हमारी रोजगार में, हमारी मान सम्मान में भी बने। इसके लिए सारा व्यवस्था भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर करने वाले हैं, कर दिए हैं। इसलिए आज इस क्विज कंपटीशन उस दिशा में एक छोटी सी कदम है। आइए, मैं पूरी स्कूल की ओर से सबको आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार की नीति, राज्य सरकारों की नीति दोनों मिलके हम ये 10 लाख स्कूल तक इसकी रजिस्ट्रेशन करें इस सितंबर महीने में। इस सितंबर महीने में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हो, करोड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स इस क्विज में पार्टिसिपेट करें, फिट इंडिया क्विज को
बड़ा बनाए और एक माहौल बनाए देश में खुद को ठीक रखने के लिए, समाज को ठीक रखने के लिए। और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट सिर्फ एक साहित्य नहीं है, वो एक स्पिरिट है। समाज में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए हमें फिट रहना पड़ेगा। मैं आज इस इनिशिएटिव को, आज इस प्रोग्राम को शुभेच्छा देता हूं और एजुकेशन मिनिस्ट्री से पूरा कोऑपरेशन का जिम्मेवारी भी लेता हूं और आने वाले दिनों में हम सब मिलके, भारत जब कुछ चीज तय करता है वो ग्लोबल मॉडल बनना है। हमें आप कल्पना करिए, 10 लाख स्कूल, 1 मिलियन स्कूल, अगर हम हर एक स्कूल में 100 बच्चों को भी ये फिट इंडिया क्विज में पार्टिसिपेट करा दे तो कल्पना करिए पूरा यूरोप भर की जनसंख्या हो जाएगी। ये हम कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर इस बड़ी लक्ष्य को लेके काम करें, फिट इंडिया क्विज को सफल बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपको करोड़ों बच्चे जो जुड़ेंगे इसके साथ, जो अभी देख रहे हैं, उन सबकी तरफ से वादा है कि इसमें पार्टिसिपेशन की कोई कमी नहीं होगी। इस कदम को जितना बड़ा हम सब चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं, उससे भी ये बड़ा हो। द फिट इंडिया क्विज इज नाउ लाइव एंड रेडी फॉर पार्टिसिपेशन। लेकिन अगर आपकी अनुमति हो, शायद जिनकी उम्र निकल गई जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते लेकिन खेल प्रेमी है, वो भी एकदम दिलों की तारों को छू लिया सर आपने जब कहा कि क्रेडिट मिलेगा, अकेडमिक जैसा ही क्रेडिट मिलेगा अगर आप खेलते भी हैं। और पीवी सिंधु जो हमारे साथ हैं, एक एमबीए वो कर सकती हैं, जैसे आपने कहा एक एमबीए कर लिया, मास्टर्स इन बैडमिंटन अचीवमेंट तो उन्होंने कर ही लिया। लेकिन इस क्विज में किससे कहानियां होंगी, अचीवमेंट्स होंगी हमारे खिलाड़ियों की, इतिहास की कितने हमारे नेशनल और रीजनल स्पोर्टिंग हीरोज जिनके बारे में हमें जानना चाहिए और चाहता है हर नागरिक। और उन्हीं स्पोर्ट्स क्रेजी इंडियंस में एक और भी शख्स है जो खिलाड़ियों के खिलाड़ी कहे जाते हैं और वो भी अपना साथ दे चुके हैं इस फिट इंडिया क्विज को। कैन यू हैव द एवीपीस? मेरे खिलाड़ियों बताओ, क्रॉल, बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई किस खेल में होता है? स्विमिंग। शाबाश, आपने जीता है अगला सवाल जो आपका दिमाग ही नहीं बल्कि शरीर की फिटनेस को भी टेस्ट करेगा। तो चलिए कराटे में एल्बो ब्लॉक करके दिखाइए। आइए आइए। ओहो, तगड़ा जवाब, जोरदार तालियां। देखा, जब बच्चों का शरीर और दिमाग दोनों हो फिट तो हर कंपटीशन में होंगे वो हिट। फिट इंडिया क्विज है वो कंपटीशन जहां बच्चे ऊंचा करेंगे अपने स्कूल का नाम और जिता सकते हैं 3 करोड़ से ज्यादा का इनाम। सवालों और कार्यों का ये अनोखा क्विज होगा इन सब्जेक्ट्स पर। सो डोंट जस्ट सिट इंडिया, बी फिट इंडिया। आओ रजिस्टर करते हैं, फिट इंडिया क्विज खेलते हैं। हिट भी भाई, ये होगी ना बात, क्योंकि अब तक जो क्विज होती है सबको लगता है कि यहाँ पे सिर्फ आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी, लेकिन जब बात हो रही है फिटनेस की तो फिर उसमें फिटनेस भी टेस्ट की जाएगी। तो आर द स्टूडेंट्स एक्साइटेड टू पार्टिसिपेट इन द कॉम्पिटिशन? सर वो म्यूट, वो एक्चुअली ऑनलाइन जुड़े हुए ना, हमने कहा था कि म्यूट पर रखिएगा इसीलिए आवाज नहीं आई, लेकिन अब आप घरों के आसपास है तो बहुत जोर से आवाज आई होगी। लेकिन याद दिला दे सभी को, स्कूल्स को, पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स और स्टूडेंट्स को, कि रजिस्ट्रेशन अब खुल चुकी हैं फिट इंडिया क्विज के लिए। तो फिर फिट इंडिया की वेबसाइट पे सीधे पहुंच जाइए, लेकिन थोड़ा इंतजार कीजिए ना, क्योंकि अगले जो कुछ पल है उसके लिए भी कितने आपने शायद अपने दोस्तों को बताया। देखिए, आज हम मिलने वाले हैं अपने सबसे पसंदीदा सबसे बड़े ओलंपियन से। तो शुरुआत करते हैं, बातचीत करते हैं, काफी बार आपने देखा है अब तक उनसे बातचीत की गई है, नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु। तो शुरुआत हमारे गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के साथ, जिनकी जैवलिन ने निशाना लगाया सीधा इतिहास पे, और तब से खुशियां रुकी नहीं है क्योंकि अब हम देख रहे हैं पैरालंपिक्स में भी हमारे हीरोज मेडल्स की झड़ी लगा चुके हैं। लेकिन नीरज, एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल का सपना तो पूरा आपने कर लिया, अगर आवाज साफ आ रही है और आपसे बात हुई भी थी, वो सपना पूरा हुआ टोक्यो जाके, लेकिन वो सपना पहली बार देखा कब था नीरज, कितने सालों पहले शायद शुरुआत हुई थी? जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्ते, जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं।
और बहुत अच्छा लगा कि स्पोर्ट्स को इतना सब कुछ मिल रहा है अपने इंडिया में। मुझे लगता है कि आने वाला टाइम ना बहुत अच्छा होने वाला है स्पोर्ट्स में। और मैं बताना चाहूंगा कि काफी बच्चे ऐसे जुड़े होंगे जो मैं भी उनकी एज का था जब मैं स्टेडियम में जाना मैंने शुरू किया था। तो सबसे पहले तो एक सिर्फ फिट होने के लिए गया था मैं, मेरा कोई मकसद नहीं था कि मुझे स्पोर्ट्स करना है या पर्टिकुलर कोई इस गेम में मुझे पार्टिसिपेट करना है। मैं बस फिटनेस के लिए गया था और फिटनेस हुई तो तभी मैंने एक स्पोर्ट्स चुना कि मुझे लगा कि हाँ मैं गेम कर सकता हूँ। और मुझे जेवलिन पसंद आया तो मैंने जेवलिन को शुरू किया। तो बिल्कुल उस टाइम पे तो बहुत छोटा सपना देखा था कि मैं भी खेलूंगा स्टेट नेशनल तक, लेकिन वो धीरे धीरे उसके लिए ट्रेनिंग करते गए और आज काफी टाइम लगा, काफी लंबा समय था, लेकिन हाँ आज जो एक सपना देखा उसके थोड़े दिन बाद जो गोल्ड मेडल जो है ओलंपिक में हमको मिला है। नीरज, बड़ी खूबसूरत कहानी आपने बनाई थी क्योंकि जैवलिन तक नीरज चोपड़ा पहुंचे, लेकिन पहुंचे तो स्टेडियम पहले फिटनेस करने थे, वो तो फिर वो शुरुआत हुई जो वहां पे देखा। तो फिर आपसे बेहतर कौन बता सकता है कि फिटनेस के मायने क्या होते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। लेकिन आज ये भी सुन के कितना अच्छा लगा कि आप भी एक एक सवाल रहता है, देखिए पढ़ाई कीजिए या खेलिए, लेकिन अब उन दोनों के बीच में भी एक ब्रिज आ गया है कि अगर आप खेलते हैं आप उसमें भी अच्छे हैं तो उसके भी आपको क्रेडिट मिलेंगे, उसके भी मार्क्स मिलेंगे। तो ये सुन के एक स्पोर्ट्समैन को शायद कितनी तसल्ली मिली है आज। बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि जब हम स्कूल में होते थे तो सिर्फ जब हम खेलते थे तो हमको यही बोला जाता था कि नहीं चलो क्लास में चलो जाके पढ़ो, तो ऐसा लगता था कि यार स्पोर्ट्स में कुछ है ही नहीं, सिर्फ पढ़ो। लेकिन आज जो है इतना कुछ बदल रहा है अपने देश में कि स्पोर्ट्स इतनी तवज्जो दी जा रही है और मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है कि जो आप पढ़ाई के साथ साथ अगर एक घंटा भी दिन में खेल लो तो आप बहुत ही पूरा दिन फ्रेश फील करोगे और बहुत ही एक्टिव रहोगे। और स्पोर्ट्स एक बहुत ही अच्छी चीज सिखाता है कि वो हमको लाइफ में हमेशा, क्योंकि अगर हम रोज खेलते हैं कभी हारते हैं कभी जीतते हैं तो वो एक बहुत ही एक अच्छी चीज सिखाता है कि हम कभी भी डिमोरलाइज नहीं होंगे, स्पोर्ट्स खेलते रहेंगे। तो क्योंकि वो हार जीत का हमें बैलेंस करना सिखाता है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स को भी उतना ही जोड़ा जा रहा है जितना जरूरी पढ़ाई है। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है। नीरज, दिल तो आपने जैवलिन से जीत लिया था, एक ही है, कितनी बार जीतोगे, एकदम दिल से हमेशा बोलते हैं। और आज इतने लाखों बच्चे जो आपको सुन पा रहे हैं, अगर आप जब पीछे मुड़ के देखते हैं जब आप थे 12 13 14 सालों के नीरज, तो आप क्या मैसेज देंगे? उसी अगर आप संदर्भ में सोचें कि उतने ही छोटे बच्चे हैं, शायद ये भी वैसे ही मेहनत कर रहे हैं फिटनेस के प्रति, खेलों के प्रति, तो क्या मैसेज देंगे आज जब आप इस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं इतनी उपलब्धियों के बाद? सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि सभी स्कूल को, स्टूडेंट्स को, कि फिट इंडिया क्विज से जुड़े। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप अपने पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट को भी दिखा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छी शुरुआत है। और मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहूँगा कि आप पढ़ाई जरूरी है बहुत ही, और मैं मानूंगा कि वही जो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि स्पोर्ट्स इतना जरूरी है कि आप मतलब किसी भी स्पोर्ट्स में जाएं, वो जरूरी नहीं है कि हाँ कोई मैं एक स्पोर्ट्स बोलूँ, वो आप खेलें और स्टेडियम में जाके आप देखें कि आपको कौन सा स्पोर्ट्स पसंद है और किस स्पोर्ट्स में आपका आपकी फिटनेस किस स्पोर्ट्स जैसी है, तो आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हैं, इतने स्पोर्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज, ये जो ये शुरुआत है ये बहुत ही अच्छे होने वाली है आने वाले टाइम में। और मुझे लग रहा है कि जो अपना अभी जो चल रहा है स्पोर्ट्स में, हमने ओलंपिक्स में रिकॉर्ड तोड़ा मेडल्स का और अभी पैरालंपिक्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं और इतने सारे मेडल्स आ रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा देश एक स्पोर्ट्स में एक एक हाई लेवल की उन्नति कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाला टाइम अपना स्पोर्ट्स का बहुत ही अच्छे वाला होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, एक नया अध्याय जो लिख दिया गया टोक्यो में, जो लिखा जा रहा है अभी पैरालंपिक्स में, अभी रुकेगा नहीं, ये रुकेगा नहीं, इंडिया और फिट बनते रहेंगे। पर मैं चलता हूं हमारी ए शटलर पीवी सिंधु की ओर। पीवी, यू नो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट दिस फिट इंडिया क्विज एंड आई हैव हैड दिस चैट, व्हाट वर यू लाइक एज अ स्टूडेंट इन स्कूल, यू नो व्हेन अ क्विज कॉम्पिटिशन वुड कम अप और एनी अदर कॉम्पिटिशन, डिड इट ऑलवेज कैच योर फैंसी, वर यू वन ऑफ दोस पार्टिसिपेंट्स अहेड इन एवरीथिंग? Yeah, firstly, a very good evening to everyone, to all the dignitaries over there, and my dear parents, principals, and students. Yes, firstly, I've completed my MBA and in studies.
I mean, when I used to go to school, so yes, there would be some of the quizzes where I would be really very much interested in, because you know, jab hum start karte hai, toh, as Neeraj mentioned, you know, initially it was just for fun. Maybe badminton aise hi start kiya tha. Maybe sochi thi ki, let me see where will I go. And also studies were important, and I continued the same way, equally balanced studies and badminton. So at the same time, मतलब हमको ये क्विज रहता था और यू नो वी यूज्ड टू हैव अ कपल ऑफ कॉम्पिटिशंस वेयर यू नो वी हैड टू अटेंड एंड मेक श्योर. सो एवरी टाइम एज अ स्टूडेंट यू नो आई यूज्ड टू थिंक यस वी वांट टू कम फर्स्ट इन एवरी क्विज. सो इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड हम बहुत कुछ सीखते थे. सो इट इज काइंड ऑफ अ मोटिवेशन एंड एनकरेजमेंट फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज यू नो ऐसे क्विजेस रहते तो यू नो इवन द टीचर्स से देम दैट यस यू नो इफ यू विन दिस यू गो टू द नेक्स्ट लेवल. सो दैट्स काइंड ऑफ एन एनकरेजमेंट दैट दे गिव अस. So I always, you know, as a kid, I always enjoy doing these, you know, quizzes or, you know, debates or, you know, any such kind of things. You know, abhi bhi wo excitement dikh rahi hai jab aap baat kar rahi hai. Wo jaise students hoti hai, ekdam innocence ke saath wo excitement, wo abhi bhi barkarar. Sindhu, aapke dono parents jo hai, you know, they both be national level volleyball players. So jab hum sports or fitness ki baat karte hai, was there always an emphasis on fitness and sports ki baat cheet? Obviously, ghar pe from a very young age? Yes, definitely. Even now and still, I mean, fitness is always very, very important to every athlete, every person. And, you know, nowadays, I think everyone is out there thinking about their health, their fitness, their physical fitness, because that has become a very important aspect. And yeah, coming from a sports background, you know, my parents always told me that, yes, fitness is very important in any sport, not only in just badminton, but yes, in any sport. And in a way, when we were young, we might not know the importance, but, you know, the support or the importance of fitness that the parents tell us or any coaches or support staff tell us, we need to, you know, make sure that we do that fitness every single day, because it's not just that we do for a day and just stop it, or we do it for a couple of months and stop. No, it is a daily progress and daily process that we have to make sure we are physically fit. And yes, I agree that physical fitness is very, very important. And are they also linked? You know, just those crunch moments, when you think about your crunch moments, court pe, jab opponent aapko push kar raha hai, kya wahan pe skill ke saath saath ek physical fitness, usi ke saath saath aapki mental strength, these the attributes that take you across the line? Definitely, yes, kyunki aajkal, you know, in any sport, agar, for example, badminton khelte time, kabhi kabhi matches bahut lamba chalte hai, toh that time physical fitness is very, very important. And, you know, sometimes, you know, you tend to get tired, and, you know, you sometimes can't stand on court for a very long time. And sometimes our matches go till 1 hour or 1.5 hour. So that is when physical fitness is very important. And yes, as you mentioned, mental fitness also is important, because, you know, when you are losing and you don't know what to do, that time mental aspect plays a very important role. Because at that point of time, you have to believe and hope that, yes, I am going to come back stronger. So equally physical and mental fitness both are important, because not only on court but also off court, kabhi kabhi hum haarne ke baad, you know, you get so upset and depressed, not only in sport but also in studies. When you get upset and depressed, you know, you have to make sure that, you know, you work more harder and learn from your mistakes and come back stronger. So that is when you make sure that, yes, your mental strength is very important. So yeah. Sindhu, what's the message you want to give to all the students who joined in today, encouraging them to participate in the Fit India quiz? Yes, talking about Fit India quiz, I think it's a great idea that the sports authorities and the government has come up with, and I'm very, very thankful, and I'm very delighted to say that yes, they have come up with this, because I'm sure it is an encouragement and support to a lot of youngsters out there. And I think the Fit India quiz is going to give a platform where you compete, like, you know, not only like where you compete in district, as how we have started competing in districts initially, and then the state and the national level and international level, where we get opponents with different strategy and training.
in the same way, Fit India Quiz is going to, you know, give a platform where you can compete with teams at the state, national and international levels. And also you can become a champion and also learn a lot from your opponents. So I think, you know, it's not just that, you know, you just learn and you just move forward, but you get a lot of experience with that, and with that encouragement and support and the motivation that, you know, the government and sports authorities are giving, I think that is a great thing that we're getting. And I'm sure, you know, from the sports authorities, not only the Fit India Quiz, but personally, I think the support that they've been giving is tremendous. Once again, I would like to thank Sports Minister Sir for doing that. And yeah, I think to the people, to the students out there, especially, I think Fit India Quiz, I'm sure you guys are, you know, you guys will do well, and please do participate. And I wish and hope every student do this, because it is a really good encouragement that you've been getting, and I'm sure you will go much more further, and I wish them all the very best. Thank you, Sindhu. Isse badi encouragement kisi ko kahan se milegi. Can you have a big round of applause for both Neeraj and Sindhu? इंडिया फिट हो ही रहा है और इंडिया की स्पोर्ट्स में भी फिटनेस कितनी बेहतर हो चुकी है. आप दोनों ने, हमारे बाकी सभी ओलंपियंस ने, एथलीट्स ने टोक्यो में जाके पूरी दुनिया के सामने ये क्लियर कर दिया. लेकिन जाना मत आप दोनों, अभी एक छोटी सी क्विज तो खेली जाएगी यहाँ पे. छोटा सा ट्रेलर तो हमने अभी रिजर्व करके रखा है. लेकिन लेट मी नाउ गो अक्रॉस टू हेड ऑफ स्पोर्ट्स स्टार एंड डिज्नी इंडिया, श्री संजोग गुप्ता. संजोग, गुड इवनिंग. You know, I'm so lucky कि इतने सारे इनिशिएटिव जो स्टार और डिज्नी इंडिया ने लिए हैं पिछले कुछ सालों में, कि मैं वो देख पाया हूं एक पर्सनल फ्रंट से कि कितनी मेहनत आपने और आपकी टीम ने की है उनको एक अलग लेवल पे ले जाने के लिए. चाहे वो आईपीएल हो, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा इवेंट था, यू टुक इट टू ग्रेटर हाइट्स. कबड्डी, जो कि हमारा खेल है, उसको दुनिया के सामने एक अलग लेवल पे प्रस्तुत किया. अब जब ये फिट इंडिया क्विज की एक नई मुहिम है, you know, how much excitement is there and what are the plans to take this to the levels that the biggest broadcaster in India usually does with the events? Jatin, main bahut waqt nahi lunga, but lekin sabse pehle to main shukriya ada karunga Shri Nishit Pramani ji ka, Shri Anurag Singh Thakur ji ka aur Shri Dharmendra Pradhan ji ka. It is a big initiative and a fantastic initiative that is being launched today, because in some sense this is really like laying the foundation stone for the sports culture in this country to be built. Or, you know, aapne baat ki jo Star and Disney India ne kaam kiya hai, lekin it's days like these that make us feel very proud to be a part of the sports ecosystem. When our government, when the Ministry of Youth Affairs and Sports along with the Ministry of Education comes together to flag something that can potentially change the entire landscape of sports in the country. And that is why this initiative is extremely important and pivotal. Shri Thakur ji se kai saal pehle meri ek choti si baat hai aur unko main yaad dilaunga. Unhone ek baat kahi thi mujhse ki India ka sports culture us din badalne lagega jab ek bahut purani kahawat ko pura ulat diya jayega. Wo kahawat hai, aapko pata hi hai Jatin, ki खेलोगे कूदोगे तो बनो होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब. और जिस दिन, और ये मैं याद दिलाऊंगा ठाकुर जी को, उन्होंने मुझे कहा था कि जिस दिन लोग और पेरेंट्स और टीचर्स और प्रिंसिपल्स ये कहने लगे कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब, उस दिन जेन्युइनली हमारा स्पोर्ट्स कल्चर बदल गया होगा. तो एक बहुत बड़ा स्टेप है श्री ठाकुर जी, आपने ये इनिशिएटिव लिया है फिट इंडिया मिशन के साथ और अब ये फिट इंडिया क्विज के साथ. वी आर होली सपोर्टिव. ये जो स्पोर्ट्स कल्चर है, ये तीन पिलर्स पे हमें लगता है बनाया जाता है. एक है फैंडम जो, और इंस्पिरेशन जो हमारे ओलंपिक एथलीट्स हैं जो यहाँ पे हैं, सिंधु जी हमारे साथ जो हैं, और उनके साथ नीरज जी जो हैं, उनके द्वारा जो इंस्पिरेशन मिलती है बच्चों को, और जो फैंडम बनता है वो एक बड़ा पिलर है स्पोर्ट्स में. साथ साथ जो अवेयरनेस है वो इस फिट इंडिया क्विज से बनाई जाएगी, क्योंकि अवेयरनेस एक बड़ा पिलर है. और पार्टिसिपेशन, जो खेलो इंडिया और जो फिट इंडिया मिशन का एक बड़ा पार्ट है, ये तीन जब एक साथ जुड़ जाएंगे तो एक स्पोर्ट्स कल्चर इमर्ज करने लगेगा इस देश में.
और जो ऑलरेडी इमर्ज कर रहा है, जो दिख रहा है हमें हमारे एथलीट्स के सक्सेस के साथ, आपने बात की गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जी की, उन्होंने जो इंस्पिरेशन दिया है लाखों करोड़ों बच्चों को टू कंटिन्यू विद देयर परसूट्स इन स्पोर्ट, सिंधु जी ने जो इंस्पिरेशन दी है 2 ओलंपिक मेडल से ढेर सारे बच्चों को, लड़कियों और लड़कों को, कि वो स्पोर्ट्स को करियर बनाएं और स्पोर्ट्स में टाइम बिताएं, और अब ये जो फिटनेस के साथ जुड़ा हुआ फिट इंडिया क्विज है, इससे जो अवेयरनेस बनेगी लाखों करोड़ों स्कूल्स के जरिए, वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा इस कंट्री के स्पोर्ट्स कल्चर को बनाने में. सो इट इज़ अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव. ऑब्वियसली पुटिंग इट ऑन ब्रॉडकास्ट ऑन अक्रॉस आर नेटवर्क, द एम्बिशन दैट वी हैव इज दैट मोर एंड मोर किड्स पार्टिसिपेट, मोर एंड मोर किड्स प्ले स्पोर्ट, डिस्कस स्पोर्ट एंड बिकम अ पार्ट ऑफ द स्पोर्टिंग इकोसिस्टम, एंड दैट रियली विल set us towards this golden future that Neeraj ji spoke about, which we are surely headed towards. So, you know, it is our privilege and we are proud of the fact that we can support such an initiative. Thank you, Sanjog. Thank you so much. ये कितने ऐसे students हैं जो अक्सर कभी-कभी television देखते हुए ये कहते हैं कि कितने कार्यक्रम हमारे लिए बनाए जाते हैं, लेकिन आपके लिए अभी तो प्रस्तुत करते थे, अभी आपके लिए कि आइए क्वालिफाई करके आपका इंतजार कर रहा है इंडिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स नेटवर्क भी. लेकिन स्पोर्ट्स कल्चर जिसकी कामना बहुत सालों से सब कर रहे हैं, उसकी तरफ कदम उठाए गए हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पहल जो उस दिशा में हमें लेके जाएगी. फिर जब क्विज की हमने इतनी बात कर ली तो फिर क्विज हो कैसे ना. जरूर रजिस्ट्रेशन खुल गई है और उसके लिए सबको जाना पड़ेगा फिट इंडिया क्विज की वेबसाइट पे, लेकिन मेरे को कुछ पार्टिसिपेंट्स तो यहाँ दिख रहे हैं. नीरज है, सिंधु है, हमारे मिनिस्टर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ये जो बच्चों के चेहरों पे आप ये मुस्कान देख रहे हैं, इसके पीछे मुझे कुछ सवाल भी दिख रहे हैं और ये इंतजार कर रहे हैं. तो चलिए, इकलौता मौका है जो स्टूडेंट्स को दे रहे हैं क्विज मास्टर बनने का, उसके बाद ये क्विज जो है ये आपके लिए की जाएगी. लेकिन एक एक करके आई विल गो टू स्टूडेंट, तो आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछिएगा. आप जानते हैं किन किन से सवाल किए जाएंगे. पहला क्वेश्चन आएगा विस्मय मोहन से, जो कि किया जा रहा है पीवी सिंधु को. विस्मय, आर यू रेडी? यस सर. गुड इवनिंग ऑनरेबल मिनिस्टर्स, डिग्नेटरीज, ओलंपिक चैंपियंस, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड. माय नेम इज विस्मय मोहन ऑफ क्लास 10th सी, केवी एफएसकुलम, त्रिवेंद्रम, केरला. First of all, I would like to congratulate Sindhu ma'am for becoming the first Indian woman to win back-to-back Olympic medals. Sindhu ma'am, I have a question for you. In recent years, a lot of the youth in India is interested in learning various kinds of martial arts, especially East Asian martial arts like karate. So my question to you, ma'am, is which indigenous sport is known as the mother of martial arts? The options are Option A, Kho Kho. Option B, Silambam. Option C, Kalaripayattu. And option D, Dhoopkhel. I think it's option C, Kalaripayattu. Yes, ma'am, it is. Your answer is correct. It's option C, Kalaripayattu. Thank you. Visme. यहाँ जो प्रोफेशनलिज्म दिखाना, एक मॉड्यूलेशन होती है जब आप क्विज में सवाल पूछते हैं. बहुत क्विज देखी है इन्होंने, एकदम उसी सलीके से वो थोड़े ड्रामा के साथ वो क्वेश्चन पूछा. वेरी वेल डन विस्मय. आई एम होपिंग दैट वी विल पार्टिसिपेटिंग इन द फिट सर. आई विल. ओके, अगला सवाल जा रहा है हमारे गोल्डन बॉय को. ये मौका है तनिष्का चंदेल के पास. Yes, sir. मेरा सवाल नीरज सर से है. पहले तो हार्टेस्ट कंग्रेचुलेशंस टू यू सर. थैंक यू. यस सर, जैसा कि हम सब जानते हैं आपकी गेम जैवलिन थ्रो एक प्राचीन युद्ध कला है, प्राचीन युद्ध कला, और वैसे ही भारत में ऐसे अनेक खेल हैं जो सदियों से खेले जा रहे हैं. मेरा सवाल कुछ इसी से ही संबंधित है. मलकम जो एक पारंपरिक भारतीय खेल है, वह किस प्रदेश से आया है? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात, वेस्ट बंगाल या फिर महाराष्ट्र.
ऑप्शन डी महाराष्ट्र। दैट्स द करेक्ट आंसर। नीरज वेरी वेल डन। तनिष्का ये इनोसेंट जो है इसको बरकरार रखना, लेकिन जो कंपेटिटिव स्पिरिट है उसको और नॉलेज को लेके आना जब हम आपको फिट इंडिया क्विज पे मिलेंगे। जस्ट वन मोमेंट जब नीरज ने बोलना शुरू किया और उनके चेहरे पे यू नो देयर इज दैट फैन गर्ल मोमेंट। हमने कहा था साथ में सिंधु है, नीरज है, हर घर के लाडले, इन सब की इंस्पिरेशन। And you could see Tanishka just couldn't hold herself back. That was beautiful. God bless you, Tanishka. I'll come back to you in a moment. No, in fact, you're asking the next question as well. Shri Anurag Singh Thakurji, sir, Minister sir, this yes. question is coming to you now. Tanishka is ready with it. A very good evening, Anurag sir. Mera agla sawal aapse hai, and kyunki ye sports related hai, I'm sure aapke liye bahut aasan hoga. Sir, फिट इंडिया मिशन के अंतर्गत एज अप्रोप्रिएट फिटनेस प्रोटोकॉल्स के कितने और कौन कौन से ग्रुप्स हैं? आप कोई ऑप्शन नहीं देने वाली? ये तो अन्याय, दोनों खिलाड़ियों को ऑप्शन दे दी। ऐसा भेदभाव मेरे साथ क्यों किया है? लेकिन मैंने अभी जतिन जी दो दिन पहले ही जब फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया तब भी मैंने उसमें कहा था कि जो तीन एज ग्रुप्स चुने गए हैं वो 5 से 18 साल का एक है, दूसरा 18 से 65 साल वाला, तीसरा 65 साल से ऊपर वाला है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही हमें जब फिट इंडिया मूवमेंट शुरू की थी उस समय, मुझे अभी तक याद है क्योंकि उस समय तो मैं मंत्री नहीं था, लेकिन मुझे उस समय भी लगा कि किसी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है, इसको तीन भागों में बांटा गया है, तो देश के प्रधानमंत्री जी की उस तरह से सोचते हैं, विभाग ने इसको आगे बढ़ाया है। मैं आशा करता हूं कि शायद मैं ठीक हूं क्योंकि ऑप्शन आपने मुझे दी नहीं, तो ये तीन ही 5 से 18 साल, 18 से 65 साल और 65 साल से ऊपर वाले। अनुराग सर, तनिष्का भी जानती थी, मैं भी जानता था, इसीलिए हमने जो हमारी फिट इंडिया क्विज में एक फीचर है वो ऑफर भी नहीं किया, लेकिन जब वो क्विज आएगी तब वो फीचर ऑफर किया जाएगा जहां पे स्टूडेंट्स हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ फोन अ फ्रेंड नहीं होगा, यहाँ पे फोन अ पेरेंट हो सकता है या फोन अ स्कूल टीचर हो पाएगा अगर उनको आंसर्स के लिए हेल्प लेनी है, तो ये एक फीचर है। बहुत सारे लोगों को मौका मिलेगा, टीचर से पूछेंगे। पेरेंट्स वर्सेस टीचर, ये भी एक अच्छा, उस टाइम पे उनके लिए क्विज होगा किसकी तरफ जाए, किसको फोन लगाया जाए, कि सिर्फ एक ही बार मौका मिलेगा वो फोन लगाने का। तो एक हल्का सा फीचर जो आप देखेंगे जब नेशनल राउंड्स आएंगे जो कि ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे टेलीविजन पे। अगला सवाल माननीय शिक्षा मंत्री के लिए, धर्मेंद्र जी के लिए, विस्मय मोहन आप हैं हमारे अगले सवाल के क्विज मास्टर। गुड इवनिंग धर्मेंद्र प्रधान सर। Sir, a lot of youth in India is interested in knowing their upper body strength, how to make their upper body stronger, and other questions related to the strength of the upper body. So, sir, my question to you is, according to fitness protocols, if we want to test the upper body strength of a child age less than 18 years, then which of these exercises can we conduct? Your options are option A, sprint, option B, push-up, option C, partial curl up, option D, none of the above. Thank you, Vishmay. मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, you have given me options. Thank you for that. At the beginning, I said, I am not a sports person, I am a sports lover. With that little bit knowledge of sports and fitness, I think option B is the answer, push up. That creates the डोले सोले इसी में बनता है। Yes, sir. You are right, sir. You are absolutely right. Yeah, answer is option B. Thank you, sir. Thank you, Vishnu. अगर मेरे पास time होता तो मैं नीरज और सिंधु जी को भी लेके आता advice के लिए, क्योंकि जैसे Vishnu ने बोला कि most of India the youth is interested to build the upper body, क्योंकि वो muscles दिख जाते हैं। नीरज बोलता है कि please lower body और squats पे भी उतना ही focus करो, सिर्फ upper body बना के मत आ जाना। क्विज में आए तो स्कॉट्स भी हो सकते हैं, ठीक कहा ना नीरज? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगला क्वेश्चन, हमने स्टूडेंट्स को क्विज मास्टर बनाया, लेकिन स्टूडेंट्स की एक हमेशा पसंदीदा टीचर्स होते हैं, मैं फेवरेटिज्म नहीं प्रमोट कर रहा, लेकिन एक अलग
अब तक एक कनेक्शन रहता है आपकी फिजिकल एजुकेशन के टीचर के साथ, आप भाग के जाते हैं वो पीरियड्स को अटेंड करने के लिए। तो हमारे साथ मिसेस इंदु शर्मा जी मौजूद हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका, थैंक यू फॉर द अमेजिंग जॉब दैट यू डू। आपका सवाल जो आप पूछ रही हैं श्री निशित प्रमाणिक सर से। गुड इवनिंग सर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इज ए नेशनल लेवल मल्टी स्पोर्ट इवेंट हेल्ड इन इंडिया वेयर एथलीट्स फ्रॉम यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री कॉम्पीट इन डिफरेंट स्पोर्ट्स डिसिप्लिन्स। सर टुडे माय क्वेश्चन टू यू इज व्हेन एंड वेयर इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स टुक प्लेस। योर ऑप्शंस आर ए 2017 दिल्ली, बी 2018 गुवाहाटी, सी 2018 पुणे, डी 2020 भुवनेश्वर। सर गुवाहाटी वाज 2019, जस्ट अ क्विक करेक्शन। यस 2020 ओडिशा भुवनेश्वर। करेक्ट सर। सबको ऑप्शन मिले, वैसे अनुराग जी को ऑप्शन नहीं दिया था, बट एवरीवन पासेस विद फ्लाइंग कलर्स सर। Can we have a big round of applause for these wonderful students? आपने आज represent किया आपने लाखों की community. Sorry sir, Anurag sir, आप कुछ कह रहे थे? मैं इतने कहूँगा, जीतना जरूरी नहीं है, खेलना जरूरी है। तो participate जरूर करें, जीतना बहुत जरूरी नहीं, खेलना बहुत जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा participation आए इसके लिए awareness हो, सब लोग tweet करें, new media पे डालें, print electronic media पर आए और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की participation हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सभी डिग्निट्रीज का। आज ये कदम जो हमने उठाया है, एक स्पोर्ट्स कल्चर भारत में और ज्यादा सुदृढ़ हो, स्ट्रांग हो और यहां से हम पीछे मुड़ के ना देखें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे सभी डिग्निट्रीज का, हमारे ओलंपिक हीरोज का। नीरज, सिंधु जी बहुत बहुत शुक्रिया, पेरेंट्स, टीचर्स, तो सब जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। दिस इज बीन अ फैंटास्टिक इवनिंग एंड वी जस्ट होप, जो एक रिक्वेस्ट सबने की है, प्लीज कम आउट एंड पार्टिसिपेट इन बिग नंबर्स। ये रिक्वेस्ट स्टूडेंट से है, ये उनके टीचर से है, ये स्कूल के प्रिंसिपल से है। द रजिस्ट्रेशंस आर नाउ ओपन, यू कैन गेट ऑन टू द फिट इंडिया वेबसाइट टुडे एंड यू हैव टाइम टिल द 30th ऑफ सितंबर। तो वे फिट भी रहेंगे, हिट भी रहेंगे, कदम भी उठाएंगे, दम भी है और धमाल भी मचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से सभी का आज शाम इस समारोह में जुड़ने के लिए। अपना ध्यान रखिएगा और मुलाकात होगी जल्दी स्टूडेंट्स आप सबके साथ, हो सकता है नेशनल राउंड्स में।